आज मित्रों रसायन के अध्ययन में हम लोग जानेंगे विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। दरअसल हम लोग कक्षा 10 का जो विज्ञान है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण फर्स्ट चैप्टर, उसके बारे में सीख पा रहे थे। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों टॉपिक है जो कि आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, विकृत गंधिता एक नंबर का। कई बार तो हमने देखा है यह बहुकल्पी के टाइप के ही ऑप्शन बन गए हैं। है क्या? खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध में बदलाव आ जाता है। इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं जो निम्नलिखित है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोई भी मित्रों अगर खाद्य पदार्थ है, कोई भी खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल और वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध में बदलाव आ जाता है। इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं जो निम्नलिखित है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना चाहिए। खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स इत्यादि के पैकेट में रखना चाहिए। ऑक्सीजन गैस हटाकर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। खाद्य पदार्थों को सीधे सूर्य के प्रकाश में नहीं रखना चाहिए। मित्रों आप देखते होंगे जो खाद्य पदार्थ है वो कुछ समय बाद 6 से 7 घंटा, 10 से 12 घंटा, बहुत से आइटम होते हैं जो कि बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं, और कुछ आइटम होते हैं जो काफ़ी समय तक काफ़ी समय के बाद वो ख़राब होते हैं। तो इसका मित्रों मतलब आप इस चीज़ से समझिए, जैसे आपको हमने बताया था जो धातु संक्षारण की क्रिया होती है, ये वायु और ऑक्सीजन की नमी, यानी वायु ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में धातुओं की सतह पर जंग लगने लगता है, राइट। वैसे मित्रों यहाँ पर ये है, कोई भी खाद्य पदार्थ है वायु के संपर्क में आएगा तो खराब होने लगेगा, इसलिए कहा जाता है उन्हें वायुरोधी पात्र में रखिए, ठीक, ताकि वायु के संपर्क में ज़्यादा नहीं आएगा तो खराब जल्दी नहीं होगा। खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स इत्यादि को पैकेट में आपको रखिए, पैकेट में रखेंगे डायरेक्ट ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। ऑक्सीजन गैस हटाकर नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ठीक, ताकि वो जल्दी क्रिया करके ख़राब ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती, क्योंकि ऑक्सीजन मित्रों जीवाणुओं के लिए भी लाभदायक होता है। खाद्य पदार्थों को सीधे सूर्य के प्रकाश में नहीं रखना चाहिए, राइट, नहीं तो वहाँ पर भी बहुत अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनके संपर्क में इन पर बहुत ही बुरा हानि प्रभाव पड़ता है। और मित्रों सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, खाद्य पदार्थों जैसे आलू, चिप्स इत्यादि के पैकेट में क्यों रखा जाता है? क्योंकि पैकेट में इसलिए रखते हैं ताकि वायु के संपर्क में नहीं आए। उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस, ठीक। इसके बाद में तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।